अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवन न्यूज महानगर में आपके साथ एक इफ्तिखार। महायुति सरकार का बड़ा निर्णय, 100 पट संख्या के स्कूलों को मिलेंगे मुख्याध्यापक। राज्य के सैकड़ों स्कूलों को मिलेंगे मुख्याध्यापक। विद्यालय का प्रशासन सुचारू रहेगा। विद्यालय एवं विद्यार्थियों की गुणवत्ता बढ़ेगी। राज्य में 150 छात्राओं की संख्या से कम रहने वाले स्कूलों में मुख्याध्यापक पद हटाए गए थे, परंतु महायुति सरकार ने अब 100 पट संख्या रहे हुए स्कूलों में मुख्याध्यापक एचएम की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। इसके कारण 100 पट संख्या रहे हुए हर स्कूल में अब मुख्याध्यापक यानी एचएम की नियुक्ति की जाएगी। इससे विद्यालय का प्रशासन सुचारू रूप से चलेगा और शिक्षक अपने दैनिक कार्यों पर उचित ध्यान दे सकेंगे। प्रशासन का सारा काम मुख्याध्यापक एचएम देखेंगे। स्कूलों में सुरक्षा के लिए एचएम मुख्याध्यापक जिम्मेदार होंगे। इससे स्कूल और शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ेगी। स्कूल के विकास के लिए महागठबंधन सरकार के फैसले से शिक्षकों और छात्राओं को राहत मिलेगी। गुस्ताखे रसूल, मलून रामगिरी महाराज और नितेश राणे को गिरफ्तार किया जाए, इस बात को लेकर और इस मांग को लेकर आज तारीख 23 सितंबर 2024 तिरंगा रैली औरंगाबाद से होते हुए औरंगाबाद से निकलकर मुंबई के आज़ाद मैदान और आज़ाद मैदान से मंत्रालय में जाकर संविधान देकर इन लोगों को गिरफ्तार करने की बात कहेगी। पूर्व सांसद और महाराष्ट्र के MIM के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील, इनके नेतृत्व में निकाली गई ये लाखों के तादाद में निकली हुई रैली जाकर आज किसी तरह से रात के 8 बजे के दरमियान मुमरा कालवा टोल पर गुजरी, जहां पर जब देखा गया काफिला तो हजारों के तादाद में लाखों के तादाद में गाड़ियां नजर आई। ये गाड़ियां मराठवाड़े से लेकर महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के विविध राज्यों से भी यहां पर लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ पानी के जहाज से भी यहां पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाले उम्मती नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ये बात हम आपको अवगत करा दें कि हुजूर के खातिर मुसलमान का बच्चे से बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा शहीद होने के लिए तिलमिलाया जाएगा। सबसे पहले अपनी शहीद शहादत को आगे लाने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से रामगिरी महाराज और नितेश राणे जैसे ये मच्छर लोगों की क्या औकात, जिसके लिए गिरफ्तार करने के लिए आज यहाँ लाखों की जो मजमा आया है और जो सैलाब दिख रहा है, ये सैलाब आज़ाद मैदान से होकर मंत्रालय में जाएगा। आज़ाद मैदान में जाने के लिए 10 से 15 गाड़ियों को परमिशन दी गई है, ऐसी जानकारी मिलते हुए मंत्रालय में जाकर यह काफिला अपना निवेदन देगा और साथ ही साथ संविधान की किताब देगा। देश ये संविधान के दायरे में चलता है, ना कि किसी समाज और किसी मजहब को लेकर। इस बात को अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री से कहा जाएगा कि ऐसे मलूम रामगिरी महाराज और नितेश राणे पर सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस बात को लेकर ही ये मोर्चा और ये तिरंगा रैली निकाली गई है महाराष्ट्र की सरकार पर। अभी सिर्फ झलक देखे है वो, मुझसे कहते हैं कि तुम आ नहीं सकते है करके, लो मुख्यमंत्री के गढ़ में आ गया हूँ। पुलिस स्वागत के लिए तैयार है मुलुल टोल पर, रोक लिया जाएगा काफी। हम भी तैयार हर लिहाज से तैयार है। ये इम्तियाज जलील चुनाव के लिए तो नहीं कर रहा, ऐसा आरोप लग रहा है। लाहौल वाला कुव्वत अल्लाह, अगर कोई मुसलमान है तो ऐसा सवाल कर नहीं सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है, हमारे हुजूर से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ऐसे 500 MLA और MP की सीट कुर्बान उनके लिए। नितेश राणे पर रोक लगाएगी सरकार, छोटा सा पिद्दू है। थैंक यू भाई। रास्ता क्रॉस करते समय ट्रक ने दिए हुए टक्कर में एक 74 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है। ये घटना सोमवार 23 सितंबर के रोज सुबह 11:45 के दरमियान बसमत रोड स्थित हुई है, जिसमें पुलिस ने गाड़ी को और ड्राइवर को हिरासत में लिया है। इस एक्सीडेंट के बारे में मिली जानकारी यह है कि अरविंद ऐशनराव वाघमारे, उम्र 74 साल, रहने वाले रामकृष्ण नगर, ऐसे मयत व्यक्ति का नाम रहते हुए अरविंद वाघमारे ये बसमत रोड के एक पेट्रोल पंप के सामने का रास्ता क्रॉस करते हुए लानते हुए जाते समय MH26H6848 क्रमांक के ट्रक ने उन्हें टक्कर दी। ट्रक का चाक शरीर पर से चल जाने से अरुण वाघमारी की जगह पर ही मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही PI शरद मरे और API BI बंद खड़के, पुलिस हेड कांस्टेबल अनिल वाकड़े, अनिल कटारे गोरे ये घटनास्थल पर जहां पहुंचे। मृत शरीर को जिला सरकारी अस्पताल में भेजा गया। नवा मुंडा पुलिस थाने में अपराध दाखिल करने की प्रक्रिया जारी थी।
पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की फतरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोढ़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे आयुर्वेदिक विद्या विशारद बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे बसमठ रोड परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। मराठा समाज को सरसकट ओबीसी आरक्षण दिया जाए, इस मांग को लेकर संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटिल, इन्होंने 16 सितंबर से अंतरवेली सराटी यहां पर अनशन शुरू किया है। उसी के समर्थन में और राज्य सरकार ने इस प्रश्न पर दिखा रहे नजरअंदाज को लेकर आज परभणी जिले में निषेधाज्ञा के तौर पर मराठा समाज की ओर से सोमवार के रोज सुबह से ही परभणी जिले में पूरा परभणी जिला बंद की आवाज पुकारी गई थी। इसमें परभणी जिले के कुछ तालुके पूरी तरीके से बंद रहे और परभणी शहर में भी कुछ दुकानें बंद रहते हुए स्कूलें कॉलेज को छुट्टी दे दी गई थी। परभणी शहर में बंद करते हुए निकलने वाले आंदोलनकारियों को परभणी के पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। दरमियान व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर पूरी तरह से सहायता की है और मदद की है। बंद को चौ तरफ से बड़ा प्रतिसाद मिलता हुआ नजर आया है। बंद के दरमियान पुलिस का बड़ा बंदोबस्त और कड़ा बंदोबस्त दिखाई दिया। सेलू शहर के इकबाल नगर स्थित तिरट नाम का युवा खेले जाने की जानकारी मिलने पर पुलिस के पथक ने तारीख 22 सितंबर 2024 रविवार के रोज छापा मारते हुए इस कार्रवाई में 16 जुआरियों को हिरासत में लिया है। 1,28,810 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया गया है। इस मामले में सेलू पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि सेलू शहर के इकबाल नगर स्थित सैयद एजाज इस्माइल इनके घर के सामने खुली जगह पर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। ऐसी जानकारी पुलिस प्रशासन को मिलते ही यहां पर पीआई दीपक बोर से, एलसीबी शाखे के पीएसआई गोपीनाथ वाघमारे, एपीआई प्रभाकर कवाड़े, पीएसआई प्रमोद देशमुख, पुलिस हेड कांस्टेबल शेख उस्मान, कृतेश्वर तेलंग, विलास सातपुते, मधुकर गोरे इनके पथक ने छापा मारकर इस मामले में पुलिस नायक विष्णु चौहान इनके फिरियाद पर शेखर दिलीपराव कलथे, शेख मोहिम योगेश राजेंद्र कालभांडे, आकाश भवन राव इगिवे, अक्षय रामदास सोलंके, करण सोपान धौड़े, शेख फैजान, शेख इस्माइल, शेख रहीम, शेख सिकंदर, शेख नसीर, शेख कबीर, शेख मुख्तार, शेख अब्दुल, शेख रईस, शेख नजीर, शेख असलम, शेख आरिफ, शेख यूनुस, शेख अब्दुल, इमरान पाशा कुरैशी, शेख महबूब, शेख अब्बास, सैयद एजाज, सैयद इस्माइल, इन पर अपराध की नोंद की गई है। पीआई दीपक बोर से इनके मार्गदर्शन पर पुलिस कांस्टेबल शेख उस्मान ये जांच कर रहे हैं। अभियंता दिन के अवसर पर आज तारीख 23 सितंबर 2024 सोमवार के रोज सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सार्वजनिक बांधकाम विभाग परभणी इनकी ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस भव्य रक्तदान शिविर का उद्घाटन कर्तव्यध्यक्ष जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े ये रहते हुए प्रमुख अतिथि के तौर पर जिले के कर्तव्यध्यक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी ये थे। तो विशेष अतिथि के तौर पर जिला कोषागार अधिकारी नीलकंठ पंचांगे, उप जिला अधिकारी दत्तू शेवाड़े ये भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का प्रस्ताविक कार्यकारी अभियंता एसएस पाटिल ने किया। भव्य रक्तदान शिविर का मार्गदर्शन करते हुए कर्तव्यध्यक्ष जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े ने कहा कि रक्तदान ये श्रेष्ठ दान रहते हुए इसको करने से आप और निरोगी रहते हैं और रक्तदान करना चाहिए ताकि जरूरतमंदों को इसका खून का भी आपका फायदा हो सके। उसी के साथ जिले के कर्तव्यध्यक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी इन्होंने कहा कि रक्तदान ये श्रेष्ठ दान रहते हुए को कामयाब बनाने के लिए उप विभागीय अभियंता बीएम शिंदे बालाजी शिंदे, उप विभागीय अभियंता गंगाखेड़ संजय देशपांडे, उप विभागीय अभियंता पूर्णा बीएल सामाले, उप विभागीय अभियंता पाथरी, विभागीय लेखाधिकारी कुलदीप सिंह मीना, सतीश कानेगावकर, यूएल मेतलवाड़, वी एस मुंडे, बालासाहेब लहामगे, चंद्रशेखर उक्कड़गावकर, सुभाष हकदड़े, कॉन्ट्रैक्टर अशोक जेटवानी, सुधीर पाटिल, मुरली खुफसे, सुरेंद्र नेब कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए आदि ने मेहनत की। कार्यक्रम का संचालन मनीषा उमरीकर इन्होंने किया। सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून आदरणीय जिल्हाधिकारी रघुनाथजी गावडे साहेब लाभले होते। तसेच या कार्यक्रमाला आवर्जून उपजिल्हाधिकारी निवडणूक विधाते साहेब व उपजिल्हाधिकारी परभणी शेवाळे साहेब, ट्रेझरी ऑफिसर पाचंगे साहेब व या विभागांतर्गत कार्यरत असलेले सर्व उप अभियंते देखील हजर होते। आतापर्यंत जवळजवळ 40 लोकांनी रक्तदान केलेले आहे आणि संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत बहुसंख्य लोक रक्तदान करतील आणि हे केलेले रक्त जे आहे ते परभणी येथील रक्तपेढीत जमा करण्यात येईल। वाढदिवसानिमित्त व अभियंता दिन
या निमित्त या संयुक्त विद्यमाने असा हा कार्यक्रम ठेवण्यात आलेला आहे। आणि या कार्यक्रमामध्ये या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सर्व अधिकारी कर्मचारी कंत्राटदार छोटे मोठे व इतर सर्व लोकांनी सहभाग घेतलेला आहे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास, हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिस प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, जेरोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल व हर्बल शैम्पू, बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे, पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए, चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा व चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी महानगर पालिका अस्तित्व में आने के बाद कर अधीक्षक का पद एक ही होने के कारण तीनों वार्ड समितियों की संपत्ति के काम में अधिक देरी हो रही है। इसके लिए महापालिका ने कानूनी तौर पर प्रभाग समिति अ ब क के तहत महापालिका के कार्यरत तृतीय श्रेणी के वरिष्ठता के अनुसार कर्मचारियों को कर अधीक्षक पद पर नियुक्ति करे, ऐसी मांग आयुक्त के पास माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन संगठना की ओर से निवेदन द्वारा की गई है। उसी के साथ कर विभाग की ओर से मालमत्ता धारकों को फेरफार हस्तांतरण पत्र, उसी तरह नए गुंटेवारी भूखंड, मालमत्ता की नॉन घर पट्टी के नाम की गलतियां दुरुस्ती करने के लिए और योग्य तरीके से समय पर मिलने के खातिर प्रभाग समिति न्याय ऑनलाइन तरीके से कार्यालय में अलग से की जाए। मालमत्ता धारकों को कामकाज के लिए होने वाले परेशानियां और देरियों को देखते हुए ये मांग की गई है। ये मांग माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से महानगर पालिका आयुक्त के पास निवेदन देकर की गई है। दिए गए निवेदन पर जिला अध्यक्ष सैयद रफीक पेड़गांवकर, जिला कार्यकारी अध्यक्ष शेख उस्मान शेख इस्माइल आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल के समर्थन में सकल मराठा समुदाय की ओर से 23 सितंबर को बंद का आयोजन किया गया था। व्यापारियों की शानदार प्रतिक्रिया के कारण बंद का उत्स्फूर्तपूर्वक पालन किया गया। ओबीसी श्रेणी से मराठा समुदाय के लिए आरक्षण से सगे सोहरे अध्यादेश को कार्यान्वयन किया जाए, हैदराबाद गजट की शामिल करने की आदि मांगों को लेकर मनोज जरांगे पाटिल ने 17 सितंबर से जालना जिले के अंतरवली सराती में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। चूंकि समुदाय आक्रामक हो गया है, जिंतूर बंद का आयोजन किया गया था। जिंतूर तालुके में सकल मराठा समाज की ओर से इस समय सकल मराठा समाज ने छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से होते हुए भव्य मोर्चा निकाला, जिसमें मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की गई है। व्यापारियों ने आज के बंद का स्फूर्त प्रतिशत जवाब देते हुए जिंतूर तालुके में लोगों ने बंद को समर्थन दिया। इस मोर्चे को बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हुए नजर आए। सकल मराठा समाज की ओर से तहसीलदार को मराठा आरक्षण के मांग का निवेदन दिया गया, जो राज्य के सरकार तक पहुँचाने की अपील की गई। मी सुरेखा शेवाळे टाले। आज मनोजदादा जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा 7वा दिवस आहे, तरी सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही, तर सरकारने त्वरित जरांगे पाटील यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, त्यासाठी आम्ही जिंतूर बंदची आज हाक दिली होती आणि सरकारने मागण्या मान्य करून म्हणजे लक्षण आहे ते द्यावं आणि जरांगे पाटलाकडे दुर्लक्ष करू नये, कारण हे याचा परिचय म्हणजे सरकारला आलेला आहे लोकसभेमध्ये, याचा म्हणजे आम्ही झलक दाखवलेली आहे। जर यावेळेस सरकारनं दुर्लक्ष जरांगे पाटलांच्या उपोषणाकडे दुर्लक्ष केलं तर विधानसभेमध्ये मराठा समाज काय आहे हे आम्ही रस्त्यावर उतरून दाखवून देऊ। गेल्या 7 दिवसापासून आमचे मराठ्यांचे नेते माननीय संघर्षयोद्धे मनोजदादा जरांगे पाटील हे उपोषणाला बसलेले आहेत। त्याच्या समारार्थ पुरा महाराष्ट्र बंदच्या अनुषंगाने चालू आहे। गेल्या 2 दिवसापासून परभणी जिल्ह्यात पण बंद आहे आणि आमचे सहकारी माजी सैनिक शिंदे अंकल हे पण इथं उपोषणाला बसलेले आहेत। आज संपूर्ण बाजारपेठेमध्ये जरांगे पाटलाला सपोर्ट करण्यासाठी जिंतूर ग्रामीणमधील शहरातील सर्व मराठा बांधव एक जागी होऊन आज या भाजप शिंदे सरकारचा निषेध करतो। येणाऱ्या काळात जर आम्हाला आरक्षण नाही मिळालं तर हे आज शांततेच्या मार्गाने जे आंदोलन चाललेलं आहे हे कधी काळी तीव्र उग्र आंदोलन दिसेल त्यांना। म्हणून सरकारला विनंती आहे की
आमचं जे काय आरक्षण राहिलेलं आहे आता ज्या काय मंडळीचं आमचं आरक्षण बाकी आहे, हैदराबाद गॅजेट असेल, सातारा गॅजेट असेल, मुंबई गॅजेट असेल, सगळ्या सोऱ्याचा कायदा असेल, हे तात्काळ अंमलात आणावे। अन्यथा आता आम्ही तुम्हाला लोकसभेला धडा शिकवणारच आहे। आता येणाऱ्या काळामध्ये मराठा समाज कितपत एकजूट झालाय हा सगळ्या जगाने बघितलंय आणि या एकीचं कारण येणाऱ्या काळात दिसून येईल। मंगरूल से लोहरा सड़क के भूमि अभिलेखों को प्रमाणित करने की मांग को लेकर रिपब्लिकन सेना का सार्वजनिक बांधकाम विभाग के सामने आंदोलन। मंगरूल से लोहरा रास्ते का काम उप अधीक्षक भूमि अभिलेख नियोजन आराखड़े के अनुसार न करता हुए ढोंडीराम तुकाराम मोरे गट क्रमांक 417 मौजे मंगरूल तालुका मानवत इनके खेत से गलत रास्ता ले जाते हुए इस तरीके से जो काम किया जा रहा है, इन नक्शे के खिलाफ काम किया जा रहा है। इसलिए 27 सितंबर 2024 सोमवार के रोज जो अम्बेडकरी चळवळ के नेता और रिपब्लिकन सेना के सर्वसर्वा सार्वजनिक बांधकाम विभाग परभणी इनके कार्यालय के सामने आकर लोक नेता विजय वाकोड़े इन्होंने अपने नेतृत्व में जोरदार आंदोलन किया। इस समय उनके साथ रिपब्लिकन सेना के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। शिवारातून सार्वजनिक बांधकाम विभाग हा रस्ता काढत आहे। हा रस्ता जो नियमानुसार जो नकाशाप्रमाणे जो काढायला पाहिजे तो न काढता आमचे कार्यकर्ते आणि आंबेडकरी समाजाचे मोरे यांच्या शेतामधून हा रस्ता काढत आहेत आणि हा अन्याय केल्यासारखा प्रकार आहे। जाणीवपूर्वक काही लोकांच्या सांगण्यावरून आमच्या शेतातून एखाद्या आंबेडकरी समाजाच्या कार्यकर्त्याच्या शेतातून हा जर रस्ता होत असेल तर त्याला आमचा तीव्र विरोध आहे आणि हा आमच्यावर केलेला आघात आहे। हा कदापि रिपब्लिकन सेना सहन करणार नाही। त्यामुळे आज 82 कार्यकारी अभियंता यांना प्रत्यक्ष भेटून आम्ही त्यांना निवेदन दिलं की योग्य ज्या ठिकाणी कायदेशीर जो रस्ता ज्या नकाशाप्रमाणे रस्ता आहे त्या पद्धतीनेच रस्ता झाला पाहिजे आणि त्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांनी पाठवून त्या ठिकाणी योग्य तपासणी केली पाहिजे। सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे पोलीस खात्याला पत्र देऊन आंबेडकरी चळवळीचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे। तो कदापि रिपब्लिकन सेना सहन करणार नाही आणि कायदेशीर आमच्या मोरे यांच्या शेतातून जो अनाधिकृतपणे रस्ता काढण्यात येणार आहे तो तात्काळ रद्द करून योग्य पद्धतीने रस्ता काढावा यासाठी आजचं हे आमचं आंदोलन होतं। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासी, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट डिप्रेशन, अल्सर, नाक कान गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी, खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर से चौक रोड बैरागी कॉलोनी तुलसीपुर जनपद बलरामपुर यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड आजम चौक से आगे तवक्कल मेडिकल के करीब परभणी महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।